Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Cooking Tool. आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड फ्रूट पुडिंग. ये बनाना बहुत ही आसान है. चलिए बनाना शुरू करते हैं. उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध. करीबन 2 लीटर दूध मैंने यहाँ पे लिया है. अब हम इसको गर्म कर लेंगे. एक उबाल आने तक हम इसको गरम कर लेंगे. ये देखिए एक उबाल आ गया है. अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे. फ्लेम लो करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर. शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करना. मैंने यहाँ पे डाला है 3 कप शुगर. फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी. शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो गया है. अब हम बना लेंगे कस्टर्ड का स्लरी. मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और इसका स्लरी बना ले रही हूँ. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैंने कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं खीर नहीं बना रही हूँ. इसका एक थोड़ा सा पुडिंग टाइप बना रही हूँ. ये देखिए इसी तरह इसका स्लरी बनना चाहिए. इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी. अब हम कस्टर्ड का स्लरी जो है हम इसमें ऐड करेंगे. मिक्स करते करते ऐड करते जाएंगे इसमें. ये देखिए इसी तरह लगातार हाथ चलाते जाएंगे और स्लरी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे. ये देखिए किस तरह से ये थिक होते जा रहा है. अब हम हाथ लगातार चलाते जाना है ताकि इसके लम्स ना बने. अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका. फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम इसको लगातार हाथ से चलाते जाएंगे. ये देखिए इसी तरह बंद करके तैयार होना चाहिए ये. अभी हम इसमें ऐड करने के लिए मैंने कट कर लिया है मस्कमेलन, चीकू, एप्पल, अंगूर, थोड़े से बादाम, काजू और खजूर, चेरीज, बनाना. अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे. देखिए अच्छे से ऐड करने के बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे. बनाना हम इसमें ऐड कर देंगे और ये भी मिक्स कर लेंगे. अब ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे. चेरीज हम ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे. ये देखिए फ्रूट्स कस्टर्ड पुडिंग बन करके तैयार है. बहुत ही टेस्टी बनती है. आप ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.